नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जारी है। आपको बता दें 29 से 30 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहेंगे, जहां तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसी कड़ी में सूरत और भावनगर में पीएम मोदी का रोड शो भी होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में अलग अलग कार्यक्रमों में लगभग 29,000 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, परियोजनाओं का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना है, साथ ही गतिशीलता बढ़ाना और जीवन यापी की सुगमता में उल्लेखनीय सुधार करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। इसके तहत महिलाओं को, विवाहित और अविवाहित महिलाओं को, सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन, दोनों में से कोई भेदभाव नहीं होगा, लिहाजा सिंगल और अविवाहित महिलाएं 20 से 24 हफ्ते में अबॉर्शन का अधिकार रख सकती हैं। वही बिहार की आईएएस हरजोत कौर भ्रामरा की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान एक छात्र द्वारा पूछे गए सवाल पर बेतुका जवाब देने का मामला तोड़ पकड़ लिया है। बता दें कि मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन के सवाल पर हरजोत कौर ने उसका सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि क्या कॉन्डम भी चाहिए। अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। महिलाओं और बाल विकास सिगम, यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन और प्लान इंटरनेशनल ने सशक्त बेटी समृद्धि बिहार टीवर्ड्स एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड विषय पर आयोजित वर्कशॉप का मामला सामने आया। इस मामले से संबंधित वीडियो के सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे अपने संज्ञान में लेते हुए आईएएस अधिकारी से 7 दिनों के अंदर लिखित में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। वही जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में करीब एक बस में 8 घंटे के भीतर ये एक और बड़ा विस्फोटक सामने आया है। आपको बता दें कि ये धमाका पूरे बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में हुआ, इसमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वही बुधवार की देर रात को डोमेल में बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में अचानक से विस्फोट हुआ और इसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए। इसी की तरह विस्फोट आज सुबह उधमपुर में खड़ी एक दूसरी बस में भी हुआ। वही इस विस्फोट की जांच पड़ताल की जा रही है, अभी तक इस मामले में कुछ और खुलासा नहीं हो पाया है। वही राजस्थान की राजनीति में अब उलट फेर लगातार जारी। आपको बता दें, कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर लगातार गहमा गहमी भी जारी है। इसी को लेकर इस रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीछे हटने के बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बता दें, शशि थरूर पहले से मैदान में है। कमलनाथ के बीच में शामिल होने की बात राजनीतिक गलियारों में चल रही है, मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। इसी बीच आज अचानक से इस रेस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने नामांकन के लिए पर्चा ले लिया और से कल दाखिल करेंगे। जानकारी है कि दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के भी करीबी है। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और जो उठापटक जारी है, उसमें अभी बहुत कुछ कहना और देखना बाकी है। तो चलिए, फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या सेठ शाह। मैं शरद जी और उनके पूरे परिवार को निष्पक्ष प्रतिदिन और एनटीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ उनके इस मिशन को सफल बनाने में उनका सहयोग देंगे, समर्थन देंगे। धन्यवाद।